डिस्कस प्रूव डैट जे इज इक्वल टू सिग्मा आई, ये हमने प्रूव करना है स्टूडेंट। स्टूडेंट वी इज इक्वल टू आई आर, आई क्या होगा वी ओवर आर, ठीक है स्टूडेंट। और आर क्या था आपका रो एल ओवर ए, क्या आ गया आई वी ए ओवर रो एल। स्टूडेंट ये आपका आई इज इक्वल टू वी ओवर आर, आर की वैल्यू क्या है रो एल ओवर ए, ये आपका एरिया ऊपर जा रहा है, क्या आ गया आई वी ए ओवर रो एल, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक पता चल गया आपको। अब आई ओवर ए, ये आपका ए नीचे ले आओ यहाँ पे, आई ओवर ए, बाकी का रह गया क्या था आई, आई है आपका वी ए ओवर रो एल यहाँ से, और ये आपका ए, इसको डिनोमिनेटर में ले आओ आई ओवर ए, क्या आ गया वन ओवर रो और वी बाय एल। अब स्टूडेंट करंट पर यूनिट एरिया ये क्या था, करंट डेंसिटी जे, और वन ओवर रो क्या था स्टूडेंट आपका सिग्मा, ये आपकी क्या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और ये क्या स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी रो एंड कंडक्टिविटी सिग्मा, इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी। और पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड पर यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर क्या था स्टूडेंट आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या थी इलेक्ट्रिक फील्ड। सो क्या प्रूव हो गया जे इज इक्वल टू सिग्मा आई, ठीक है स्टूडेंट। ये आपका करंट पर यूनिट एरिया, ये क्या था करंट डेंसिटी जे, वन ओवर रो, ये क्या इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी क्या था कंडक्टिविटी सिग्मा, और वी ओवर एल, ये मैं आपको बता चुका हूँ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड पर यूनिट लेंथ, ये क्या आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। सो क्या प्रूव हो गया जे इज इक्वल टू सिग्मा आई, ये काफी बार आपके एग्जाम में आ चुका हुआ है। नेक्स्ट वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर, स्टूडेंट हमने पहले ये कंसेप्ट छोड़ दिया था कि टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ता है, आज हम वही पढ़ेंगे कि टेम्परेचर का इफेक्ट रेजिस्टिविटी के ऊपर क्या पड़ता है। सो आर इज इक्वल टू वी ओवर आई, ये पढ़ चुके हो आप, वी इज इक्वल टू आई आर, आर क्या आ गया वी ओवर आई, और ये आप फार्मूला हमने प्रूव कर दिया हुआ है आर इज इक्वल टू एम एल ओवर एन ई स्केयर ए टॉ, ठीक है स्टूडेंट, और एम ओवर एन ई स्केयर टॉ एल ओवर ए। तो ये क्या था, ये मैं आपको सारा कुछ पहले भी प्रूव करके दे चुका हूँ, ये क्या आ गया कांस्टेंट, सारा कुछ ये क्या है कांस्टेंट रो, और ये आपका क्या है एल ओवर ए, ये फार्मूला प्रूव कर चुके हो। सो रो हमारे पास क्या आ गया, रो आ गया, मैंने फिर से प्रूव कर दिया है, रो आ गया आपका एम ओवर एन ई स्केयर टॉ। अब सुन रो किसके ऊपर डिपेंड कर गया, मास तो आपका कांस्टेंट था मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ई भी क्या आपका कांस्टेंट, रो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया एन एंड टॉ के ऊपर। सो आपका जो रो आ गया डेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड टॉ, ठीक है स्टूडेंट। अब इनको हम आगे देखेंगे, यहां तक पता चल गया स्टूडेंट आपको कि जो रेजिस्टिविटी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड रिलैक्सेशन टाइम टॉ इन मोस्ट ऑफ मेटल्स। अब स्टूडेंट किसी को गर्म करने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं चेंज हो जाएंगे ना, वो तो वही रहेंगे। कह रहे हैं इन मोस्ट ऑफ द मेटल्स द वैल्यू ऑफ एन मीन्स चार्ज डेंसिटी नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर, स्टूडेंट एन चेंज नहीं होगा। अब अगर एन चेंज नहीं होगा तो इसका मतलब रेजिस्टिविटी सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड कर गई, ओनली रिलैक्सेशन टाइम के ऊपर। इसका मतलब आपका जो रो आ गया क्या आ गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम। अब हमने रिलैक्सेशन टाइम को स्टडी करना है कि रिलैक्सेशन टाइम टेम्परेचर के साथ क्या कर रहा है। अब स्टूडेंट आप किसी अगर मेटल को हीट अप करोगे तो उनमें जो एटम्स थे वो क्या करेंगे वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे, क्या करना शुरू कर देंगे वाइब्रेट अबाउट देयर मेन पोजीशंस, वाइब्रेट करना शुरू कर दिया। अब फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन ने अच्छा वाला रास्ता बनाया हुआ था कि मैं यहाँ से यहाँ जाऊँगा फ्लो करूँगा और करंट पैदा होगा। अब स्टूडेंट अगर ये वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे आपके मेटल आयंस तो ये इलेक्ट्रॉन के रास्ते में आ गए। अब इलेक्ट्रॉन के रास्ते में आ गए तो कोलिजंस क्या होंगी बढ़ गई। अब अगर कोलिजंस बढ़ गई तो ये आपका रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया कम हो गया, बिकॉज आपका रिलैक्सेशन टाइम क्या था टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव कोलिजंस। अब कोलिजंस बढ़ने से जो टाइम इंटरवल है वो क्या हो गया कम हो गया। अगर आपका टॉ कम हो गया तो रो क्या हो गया ज़्यादा हो गया, रो क्या हो गया
ज्यादा हो गया. सो विद द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर मीन्स विद द राइज ऑफ टेम्परेचर रेजिस्टिविटी क्या हो रही है स्टूडेंट आपकी इंक्रीज कर रही है. नो रिलैक्सेशन टाइम टो इज द एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन विद पॉजिटिव आयंस ऑफ मेटेलिक कंडक्टर. ये आप पढ़ चुके हो. एवरी मेटल हैज मेटल आयंस इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं और वो इन मेटल आयंस के साथ भी क्या करेंगे टकराएंगे और जो आपका टाइम इंटरवल आता है टकराने का एक एटम एक आयन से दूसरे आयन में जो टाइम इंटरवल आता है वो क्या होता है रिलैक्सेशन टाइम. ठीक है स्टूडेंट. एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पॉजिटिव आयन्स ऑल्सो इंक्रीजेस. जो आपके ये पॉजिटिव आयन्स थे अब वो क्या करना शुरू कर देंगे हीट लेके क्या करना शुरू कर देंगे वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे अबाउट मीन पोजिशंस. अब ये इन्होंने वाइब्रेट करना शुरू कर दिया. अब अगर ये एटम्स आपके वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे आयन्स आपके वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन के रास्ते में आ जाएंगे मीन्स कोलिजन्स क्या हो जाएंगी बढ़ जाएंगी. सो एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पॉजिटिव आयन्स ऑल्सो इंक्रीजेज. द रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा डिक्रीज. क्यों क्योंकि आपकी कोलिजन्स बढ़ गई. कोलिजन्स बढ़ गई तो ये आपकी जो आपका टो है वो क्या हो गया वो कम हो गया क्योंकि कोलिजन्स ज़्यादा हो गई हैं. टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन्स क्या हो गया कम हो गया. सो दिस इन टर्न इंक्रीज द वैल्यू ऑफ रो. तो रो की वैल्यू क्यों आ गई बढ़ गई. तो इसका मतलब मेटल्स के केस में रेजिस्टिविटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. ठीक है स्टूडेंट. एंड वाइस वर्सा मीन्स अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी भी क्या होगी बढ़ेगी. अगर टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टिविटी भी क्या होगी कम होगी. और अगर रेजिस्टिविटी चेंज होगी R इज इक्वल टू रो एल ओवर ए है. अब अगर रेजिस्टिविटी बढ़ेगी रो तो स्टूडेंट आपकी रेजिस्टेंस भी क्या होगी बढ़ेगी. इट मीन्स टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टिविटी बढ़ रही है और रेजिस्टेंस ऑफ मेटेलिक कंडक्टर भी क्या हो रहा है बढ़ रहा है. क्यों क्योंकि जो आपका टो है वो क्या हो रहा है कम हो रहा है. टो क्यों कम हो रहा है क्योंकि कोलिजन्स बढ़ गई हैं. आपके जो पॉजिटिव आयंस थे दे आर वाइब्रेटिंग अबाउट देयर मीन पोजिशंस. अब वो इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते में आ गए कोलिजन्स बढ़ गई. कोलिजन्स बढ़ गई तो टाइम इंटरवल क्या हो गया कम हो गया. टाइम इंटरवल कम हो गया तो रेजिस्टिविटी क्या हो गई ज़्यादा हो गई. अगर रेजिस्टिविटी ज़्यादा हो गई तो रेजिस्टेंस भी क्या हो गई ज़्यादा होगी. सो द रेजिस्टिविटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड वाइस वर्सा. सो इट इज़ फाउंड दैट रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इंक्रीज इज लीनियरली विद टेम्परेचर. अब जो रेजिस्टिविटी है स्टूडेंट रो ये आपका एट रूम टेम्परेचर पे है. ये रो नोट क्या है आपका रेजिस्टिविटी एट रूम टेम्परेचर और टी नॉट डिग्री सेंटीग्रेड. और ये रो आपका किसी टी डिग्री सेंटीग्रेड पे है और टी क्या है ग्रेटर देन टी नॉट. इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ा दिया है वन प्लस अल्फा ये आपका चेंज इन टेम्परेचर आ गया टी माइनस टी नॉट. सो ये जो आपकी रेजिस्टिविटी है ये जो आपकी रेजिस्टिविटी है टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो रही है वन प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट एट टेम्परेचर टी नॉट. रेजिस्टिविटी कितनी है रो नॉट एट टेम्परेचर टी. रेजिस्टिविटी कितनी है रो एंड टी माइनस टी नॉट क्या है राइज ऑफ टेम्परेचर बिकॉज टी इज ग्रेटर देन टी नॉट. पहले टी नॉट था टेम्परेचर उसके बाद टेम्परेचर टी नॉट से क्या हो गया हमने बढ़ा दिया हीट दे दी. हीट देने के बाद टेम्परेचर क्या आ गया टी. चेंज इन टेम्परेचर क्या आया टी माइनस टी नॉट मीन्स राइज ऑफ टेम्परेचर क्या आया टी माइनस टी नॉट. और राइज होने से ये रेजिस्टिविटी क्या हो रही है बढ़ रही है. अगर ये इंक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी भी क्या होगी इंक्रीज होगी. ठीक है स्टूडेंट. इट मीन्स रेजिस्टिविटी इंक्रीज लीनियरली विद टेम्परेचर. और ये आपका अल्फा क्या है कॉन्स्टेंट. अल्फा क्या है आपका कॉन्स्टेंट वेयर रो एंड रो नोट आर रेजिस्टिविटी या टेम्परेचर टी डिग्री सेंटीग्रेड एंड टी नोट डिग्री सेंटीग्रेड एंड दिस अल्फा आर. ये जो आपका अल्फा आर है इसका नाम है टेम्परेचर कॉफिशियंट ऑफ रेजिस्टिविटी. क्या नाम है इसका टेम्परेचर कॉफिशियंट ऑफ रेजिस्टिविटी. ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ मेटल के ऊपर. इट मीन्स जो आपका रेजिस्टिविटी है जो इंक्रीज हो रही है रेजिस्टिविटी विद द राइज ऑफ टेम्परेचर वो किसके ऊपर डिपेंड कर गया मेटल्स के ऊपर भी डिपेंड कर गया कि आपका मेटल कौन सा है कॉपर का है आयरन का है जिंक का है अल्यूमिनियम का है किसका है कंडक्टर है. क्योंकि एवरी मेटल्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स उनकी उनकी क्या कॉम्पोजिशन डिफरेंट है, कॉम्पोजिशन डिफरेंट होगी तो कोलिजन्स भी क्या होंगी डिफरेंट होगी, इसका मतलब जो रेजिस्टिविटी होगी वो भी क्या होगी डिफरेंट होगी। सो रेजिस्टिविटी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन अल्फा, अल्फा इज डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटीरियल एंड इसके ऊपर डिपेंड कर रहा राइज ऑफ टेम्परेचर के ऊपर। जैसे जैसे आपका टेम्परेचर राइज होता जाएगा आपकी ये रो बढ़ती जाएगी। रो नोड तो स्टूडेंट आपकी रेजिस्टिविटी है, टेम्परेचर टी नोड जो आपका स्टार्टिंग वाला टेम्परेचर था, और जैसे जैसे टेम्परेचर आपका टी बढ़ता गया तो आपका रो भी क्या हो गया लिनियरली बढ़ता गया। सो रेजिस्टिविटी इंक्रीजेज विद राइज ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट आ गया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। ये मैं आपको बता चुका हूँ अभी कि जो रेजिस्टेंस है आपके मेटेलिक कनेक्टर की वो भी क्या कर रही है इंक्रीजेज लिनियरली विद राइज इन टेम्परेचर। ठीक है स्टूडेंट, ये डेरिवेशन जो अभी पीछे हमने की थी इस तरीके से भी कर सकते हैं। सो देयरफॉर रेजिस्टेंस टेम्परेचर ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। ये जो आपका ये आपकी रेजिस्टेंस है और ये आपका क्या है टेम्परेचर है। सो रेजिस्टेंस टेम्परेचर ग्राफ क्या आ गया स्टूडेंट स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब है, जैसे जैसे आपका ये टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आपकी रेजिस्टेंस भी क्या हो रही है बढ़ रही है, रेजिस्टेंस भी क्या हो रही है बढ़ रही है। सो दिस इज आर रेजिस्टेंस टेम्परेचर ग्राफ। सो रेजिस्टेंस इंक्रीज इज लीनियरली, ये इंक्रीज कर रही है स्टूडेंट रेजिस्टेंस इंक्रीज इज लीनियरली विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है स्टूडेंट, सो इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है स्टूडेंट, सो कंसिडर ए मेटेलिक कंडक्टर हैविंग रेजिस्टेंस आर नॉट एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड आर वन एट टी वन डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पे राइज ऑफ टेम्परेचर कितना आ गया टी वन माइनस जीरो क्या होगा टी वन। नाउ देन इन द नॉर्मल रेंज ऑफ टेम्परेचर्स द इंक्रीज इन रेजिस्टेंस आर नॉट इनिशियल स्टेज पे थी, उसके बाद क्या हो गया राइज करके आर वन आ गई, आर वन माइनस आर नॉट क्या हो गई इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। सो कह रहा है इंक्रीज इन रेजिस्टेंस आर वन माइनस आर नॉट इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू इनिशियल रेजिस्टेंस। और जो स्टूडेंट आपका आपका राइज होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनिशियल रेजिस्टेंस के भी होगा, कि इनिशियली रेजिस्टेंस थी कितनी। अगर किसी कंडक्टर की इनिशियल रेजिस्टेंस ही कम है तो टेम्परेचर होने से जो रेजिस्टेंस बढ़ेगी वो भी क्या बढ़ेगी कम बढ़ेगी। अगर इनिशियल रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो टेम्परेचर बढ़ने से जो रेजिस्टेंस बढ़ेगी वो भी क्या बढ़ेगी ज़्यादा। इट मीन्स राइज ऑफ रेजिस्टेंस आर वन माइनस आर नॉट इंक्रीज ऑफ रेजिस्टेंस That also depends on initial resistance. कि initially resistance कितनी थी। अगर initial resistance ही small है तो ये आपका rise of resistance भी क्या होगी small होगी। So rise of resistance, increase in resistance is directly proportional to initial resistance. Means R1 minus R0 is directly proportional to R0. And also increase in resistance is directly proportional to rise in temperature. Rise in temperature यहाँ पे कितना है T1, पहले जीरो था फिर क्या हो गया T1, राइज कितना कर गया T1, T1 माइनस जीरो T1। जितना टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा उतनी ये इंक्रीज इन रेजिस्टेंस भी क्या होगी ज़्यादा होगी। इन दोनों इक्वेशंस को मर्ज कर दो स्टूडेंट, क्या आ गया R1 माइनस R0 इंक्रीज इन रेजिस्टेंस क्या आ गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R0, ये रहा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू राइज ऑफ टेम्परेचर, ये रहा T1। ठीक है स्टूडेंट, क्लब कर दिया। अब R1 माइनस R0 इज इक्वल टू कोई अल्फा आ गया, दिस इज अ कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आर नॉट टी। ठीक है स्टूडेंट, टी वन मैं फिर से आपको बता देता हूँ, राइज ऑफ इंक्रीज ऑफ रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल रेजिस्टेंस, इंक्रीज ऑफ रेजिस्टेंस इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, दोनों को क्लब कर दिया। आर वन माइनस आर नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया आर नॉट टी वन। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटा दो स्टूडेंट, तो उसको हटाने के लिए क्या करेंगे कोई ना कोई कांस्टेंट लगाएंगे, यहाँ पे कांस्टेंट कौन सा आ गया अल्फा स्टूडेंट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है और ये अल्फा है, अल्फा इज ए रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा मटीरियल के ऊपर टी वन। अब आर वन अगर उधर ले जाएं आर नॉट प्लस अल्फा आर नॉट टी वन, आर नॉट क्या कर लिया स्टूडेंट हमने कॉमन निकाल लिया, क्या आ गया R1 वन इज इक्वल टू आर नॉट वन प्लस अल्फा टी वन। ठीक है स्टूडेंट, सो ये आपका फार्मूला आ गया न्यू रेजिस्टेंस, R1 क्या आ गई न्यू रेजिस्टेंस, ये आपकी इनिशियल रेजिस्टेंस है, ये आपका T1 राइज ऑफ टेम्परेचर है, ये आपका टेम्परेचर कॉफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस है, ये कॉन्स्टेंट है, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा मटीरियल के ऊपर नेचर ऑफ मटीरियल के ऊपर। और आपकी नई रेजिस्टेंस आ गई जब टेम्परेचर T1 बढ़ा तो रेजिस्टेंस क्या आई R1। ठीक है स्टूडेंट,
सो आर वन माइनस आर नॉट, जब अभी बता चुका हूँ आपको, इज इक्वल टू उस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के हमने कौन सा साइन लगा दिया यहाँ पे, अल्फा। अल्फा गया आपका कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इज कॉल्ड टेम्परेचर कॉफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस। एंड इसकी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड कर रही है। और इधर ले जाओ आर नॉट कॉमन निकाल लो, तो क्या फॉर्मूला आ गया आपका, आर वन इज इक्वल टू आर नॉट वन प्लस अल्फा टी वन। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे अल्फा की वैल्यू भी निकालते हैं हम। सो आर वन माइनस आर नॉट क्या हुआ, क्या आया हुआ था, अल्फा आर नॉट टी वन। अब अल्फा क्या आ गया स्टूडेंट आपका, आर वन माइनस आर नॉट ओवर आर नॉट इन टू टी वन, ये सारा कुछ नीचे आ गया, आर नॉट टी वन डिनोमिनेटर पे आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो अल्फा आ गया, अल्फा क्या आ गया, आर वन माइनस आर नॉट ओवर आर नॉट टी वन। तो क्या डेफिनेशन आई अल्फा की, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। आर वन माइनस आर नॉट क्या है, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट। आर नॉट क्या है, पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस। ये क्या है, पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। सो क्या डेफिनेशन आई, टेम्परेचर कॉफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। ये क्या आपकी, आर वन माइनस आर नॉट इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर ओम ओरिजिनल रेजिस्टेंस, पर मीन्स डिवाइड, पर ओम ओरिजिनल रेजिस्टेंस आर नॉट, पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। ये क्या आपका टी वन, पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। सो डेफिनेशन क्या आ गई, टेम्परेचर कॉफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा की डेफिनेशन क्या आई, इज द इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर यूनिट राइज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके यूनिट्स क्या होंगे, इसके ऊपर रेजिस्टेंस के ओम, ये भी रेजिस्टेंस के ओम, और टेम्परेचर के क्या होंगे, राइज ऑफ टेम्परेचर के डिग्री सेंटीग्रेड। ये ओम ओम क्या हो गए, कैंसल। तो अल्फा के यूनिट्स क्या आ गए, पर डिग्री सेंटीग्रेड, पर डिग्री सेल्सियस और सेंटीग्रेड। ठीक है स्टूडेंट, सो यूनिट्स ऑफ अल्फा इज पर डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि इसके ओम है, इसके भी क्या ओम, ये क्या हो गए, यूनिट्स कैंसिल हो गए, क्या रह गया, वन ओवर टी वन। इसके यूनिट्स क्या हैं, पर डिग्री सेंटीग्रेड और पर डिग्री सेल्सियस, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ गया, इसके यूनिट्स क्या आ गए, पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है स्टूडेंट, टी वन के डिग्री सेल्सियस ऊपर चला जाएगा, तो क्या होगा, पर डिग्री सेल्सियस। सो यूनिट्स ऑफ अल्फा इज पर डिग्री सेल्सियस। सो इट मे बी नोटेड दैट मेटल्स हैव पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस। स्टूडेंट मेटल्स के केस में जो अल्फा आएगा वो क्या है, वो पॉजिटिव है। वो क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब है जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगी, बढ़ेगी इसके साथ, टेम्परेचर बढ़ने के साथ। वाइल सेमी कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स हैव नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस। इट मीन्स फॉर सेमी कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स अल्फा की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब है आर वन इज इक्वल टू आर नॉट, क्या आ जाना यहाँ पे, वन माइनस अल्फा टी वन। अल्फा की वैल्यू नेगेटिव आ गई, मतलब ये रेजिस्टेंस क्या होनी शुरू हो जाएगी, कम होनी शुरू हो जाएगी। मेटल्स के लिए टेम्परेचर कॉफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। सेमी कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के लिए अल्फा की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। सो इससे क्या पता चला हमें कि सेमी कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स विद राइज ऑफ टेम्परेचर उनकी रेजिस्टेंस क्या होगी, डिक्रीज होगी, और मेटल्स की रेजिस्टेंस क्या होगी, विद द राइज ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज होगी। एंड अल्फा इज वेरी वेरी स्मॉल फॉर अलॉयज। अलॉयज के लिए स्टूडेंट अल्फा क्या है, वेरी वेरी स्मॉल। इट मीन्स अलॉयज का टेम्परेचर राइज होने से रेजिस्टेंस पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए हम जो रजिस्टर यूज़ करते हैं, जो महंगे रजिस्टर्स होते हैं घरों में, हम जो रजिस्टर लगाते हैं वो क्या लगाते हैं, कॉस्टली, वो अलॉयज़ यूज़ करते हैं। क्यों, क्योंकि अलॉयज़ की अल्फ़ा क्या, अलॉयज़ का वेरी वेरी स्मॉल। तो वेरी वेरी स्मॉल का मतलब है कि अल्फ़ा अगर स्मॉल है आपका, तो इसका मतलब जो रजिस्टेंस राइज कर रही है वो क्या कर रही है, वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट में राइज कर रही है। तो अब स्टूडेंट अल्फ़ा स्मॉल ही होना चाहिए। आपके घरों में अगर रेजिस्टेंस, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर बढ़ रहा है, आप उसको कंज्यूम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपका कोई कोई आपकी कोई कोई भी ले लो, कुछ भी फ़ैन ले लो, अब फ़ैन चल रहा है, फ़ैन चल रहा है, एक घंटे बाद दो घंटे बाद वो हीटअप हो जाएगा, हीटअप होने के बाद उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, अगर वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस बढ़ने से करंट कम हो गया तो आपका फ़ैन चलना ही बंद हो जाएगा। सो हम क्या
कौन से हमने फिर कंडक्टर यूज करने हैं, अलॉयज, ताकि टेम्परेचर बढ़ने से कंडक्टर की रेजिस्टेंस ना बढ़े, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस बढ़ती गई तो करंट आपका क्या होगा, आई इज इक्वल टू वी ओवर आर। रेजिस्टेंस अगर बढ़ गई तो करंट क्या हो गया, कम हो गया, आपके घरों में करंट कम आना शुरू हो जाएगा। अगर घरों में करंट कम आना शुरू हो गया तो आपके अप्लायंसेस चलने बंद हो जाएंगे। सो डैट्स वाई जो हम रजिस्टर, स्टैंडर्ड रजिस्टर यूज़ करते हैं वो कौन से यूज़ करते हैं, अलॉयज, क्योंकि अलॉयज का अल्फा क्या है, वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल का मतलब है कि टेम्परेचर का इफेक्ट उसके ऊपर नहीं पड़ रहा, सिंस अलॉयज हैव हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी एंड लो वैल्यू ऑफ अल्फा, सो डैट्स वाई दे आर यूज फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल्स। ये स्टूडेंट आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क का, कि वाई अलॉयज आर यूज फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल्स, बिकॉज अलॉयज का जो वैल्यू ऑफ अल्फा है वो क्या है, वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल का मतलब है अलॉयज के ऊपर टेम्परेचर राइज होने पे कोई उसकी रेजिस्टेंस पे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब उसकी रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट क्या है, कॉन्स्टेंट है, चाहे टेम्परेचर कम हो चाहे टेम्परेचर ज़्यादा हो। तो हमने कौन से डिवाइसेज लेने हैं जिनकी रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट क्या हो, सेम हो, हम तो नहीं चाहेंगे ना कि उसकी रेजिस्टेंस चेंज हो जाए। सो और उसकी अलॉयज की रेजिस्टिविटी क्या है, ज़्यादा। रेजिस्टिविटी क्या है, ज़्यादा। सो डैट्स वाई दे आर यूज फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल्स, ठीक है स्टूडेंट। एंड ये डिफरेंट फार्मूला एक और यूज कर लो, फॉर एग्जांपल आपकी R1 रेजिस्टेंस है T1 डिग्री सेंटीग्रेड पे, पहले मैं 0 लिया था ना, अब T1 ले लो फॉर एग्जांपल, R2 है आपका T2 डिग्री सेंटीग्रेड। स्टूडेंट ये आप डेरिवेशंस रटना नहीं, समझना शुरू करो, ठीक है स्टूडेंट। अब राइज ऑफ इंक्रीज ऑफ रेजिस्टेंस क्या आ गई, R2 माइनस R1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल रेजिस्टेंस, एंड आल्सो इंक्रीज ऑफ रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, राइज इन टेम्परेचर के ऊपर। अब स्टूडेंट यहाँ पे राइज इन टेम्परेचर कितना है, T2 माइनस T1, पीछे 0 डिग्री था, अब यहाँ पे इनिशियल टेम्परेचर कितना दे रखा है, T1, राइज होगी कितना हो गया T2, और राइज हुआ कितना T2 माइनस T1, इन दोनों को यूज कर लो तो क्या आ गया, R2 माइनस R1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1 इंटू T2 माइनस T1, ठीक है स्टूडेंट। अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को किसके साथ यूज कर लो, इक्वल टू अल्फा, दिस इज ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन, दिस इज ए अल्फा, अल्फा इज टेम्परेचर कॉफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस, क्या आ गया अल्फा, R1 T2 माइनस T1, अब ये R1 सुन इधर जा रहा है और कॉमन आ जाएगा, R2 क्या आ गया, R1 कॉमन आ गया, 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 क्या आ गया, राइज ऑफ टेम्परेचर, ये इनिशियल रेजिस्टेंस और ये आपकी फाइनल रेजिस्टेंस, एंड दिस इज अ राइज ऑफ टेम्परेचर, ये दिस इनिशियल टेम्परेचर T1, दिस इज अ फाइनल टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल आपका 30 डिग्री टू 50 डिग्री टेम्परेचर राइज कर गया, तो राइज ऑफ टेम्परेचर कितना आया, 50 माइनस 30, 20 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट। ये आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, अल्फा इज ए वही सेम मैंने आपको आपको बता दिया हुआ, अल्फा इज अ टेम्परेचर कॉफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस दैट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल, ठीक है स्टूडेंट। सो दिस इज द फाइनल रेजिस्टेंस व्हेन टेम्परेचर राइजेज फ्रॉम T1 टू T2, एंड दिस इज द इनिशियल रेजिस्टेंस R1 एट टेम्परेचर T1, ठीक है स्टूडेंट, एंड R2 इज द रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T2, ठीक है स्टूडेंट। सो नेक्स्ट डेरिवेशन हम अब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, यहाँ तक स्टूडेंट आप अच्छी तरह पढ़ लो, ये आपका जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और रेजिस्टेंस है ये भी काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका हुआ है, ठीक है स्टूडेंट, थैंक।